गोरखपुर वायु स्टेशन से नियमित अभ्यास पर उड़ान भर रहा लड़ाकू विमान हुआ क्रैश। बताते चलें कि गोरखपुर वायु सेना स्टेशन से नियमित अभ्यास पर उड़ान भर रहा जगुआर लड़ाकू विमान उस समय क्रैश हो गया जब वह अपने नियमित अभ्यास के दौरान उड़ान भर रहा था। उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई और चालक दल ने उसे संघर्ष करते हुए पूर्ण रूप से बचाने की कोशिश की, परंतु वह असफल रहे और विमान वायु स्टेशन से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर कुछ ही समय बाद जनपद कुशीनगर के थाना कसिया के ग्राम पंचायत हेतिमपुर के इलाके में दोपहर के 12:30 बजे क्रैश हो गया। जी, हम अपने छत पर बैठे हुए थे, अचानक से आवाज़ में एक बहुत तेज़ी से लाइट आते हुए दिखा है। फिर हम लोगों ने उस लाइट को फॉलो किया है तो देखा है कि एक प्लेन जो है वो हवा में ही कुछ टूटते हुए नज़र आ रहा है और क्रैश करने की आवाज़ आ रही थी। मुश्किल से 15 से 18 सेकंड के अंदर प्लेन नीचे गिरा है और बहुत तेज़ आवाज़ आई है। ऊपर से एक बलून पैराशूट दिख रहा था कि कोई आदमी उसमें से फ्लाई कर रहा है। थोड़ी देर बाद हम लोग को लगा है कि जो विमान हम लोग के खेत की तरफ गिरा है, फिर भागते हुए हम लोग ने खेत की तरफ भागे हैं, फिर धुएं को फॉलो करते यहाँ पहुँचे। फिर हम लोगों ने देखा कि जगुआर फाइटर प्लेन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। भगवान का बहुत ज़्यादा ये शुक्रिया रहा कि पायलट को कोई नुकसान नहीं हुआ, जान माल का खतरा नहीं हुआ और रिहायशी इलाके से सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर ये फाइटर प्लेन गिरा हुआ है, तो क्षेत्र के लोग भी सुरक्षित हैं, इसके लिए भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया था। जानकारी होने पर प्रशासन के कान खड़े हो गए और अधिकारियों ने आनन फानन में मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेना शुरू कर दिया। वहीं प्रशिक्षु पायलट ने पैराशूट के सहारे अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने बताया कि पायलट की बहादुरी कहें या ऊपर वाले की करिश्मा की प्लेन जहां क्रैश हुआ है वहां से मात्र 30 मीटर की दूरी पर रिहायशी इलाका था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश से टाइम सिटी न्यूज के लिए अकरामुल्ला खान की रिपोर्ट।